मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार 16 दिसंबर को जनपद पंचायत नालछा में विजय दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जनपद पंचायत नालछा क्षेत्र के अंतर्गत भारतीय सेना के जवानों को आमंत्रित किया गया, जिसमें नालछा नगर के बुद्धिचंद्र सोलंकी और सतीश बड़गुजर को आमंत्रित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में सर्वप्रथम भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पमाला दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर भारतीय सेना से सेवानिवृत्त जवानों का अध्यक्ष लालजी डावर, जनपद पंचायत नालछा मेहताब कटारे, विकास ठाकुर सुरेंद्र और श्री बी एस मुवेल मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा बारी बारी से पुष्पमालाओं से स्वागत किया गया। अंत में आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर जनपद पंचायत नालछा के कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास, शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। नालछा से विनीत यादव की रिपोर्ट। विजय शौर्य दिवस के रूप में कार्यक्रम रखा था, जो 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसमें पाकिस्तान के पास 93,000 सैनिक थे और भारत के पास नहीं के बराबर सैनिक थे, फिर भी पाकिस्तान ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम मना रहे। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम किस उपलक्ष्य में था? 16 दिसंबर भैया इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 16 दिसंबर 1971 में शौर्य दिवस पाकिस्तान की जो फौज थी उसको, हमारे देश की जो फौज थी उसने परास्त किया था, उनको आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया था, तो इसलिए शौर्य दिवस मनाया जाता है। ठीक, आपका नाम? विकास सिंह सोलपुर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।